चलिए तो आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं आह्वान करने जा रहा हूँ, बुलाने जा रहा हूँ नन अदर देन भिलवाड़ा की धरती से, राजस्थान की धरती से एक ऐसी मातृशक्ति है ना, रानू मैडम जी प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। नमस्कार, जय रानी सीताराम जी। वेलकम मैडम, वेलकम, नमस्कार। आज माय सेल्फ रानू बंसल, मैं चित्तौड़गढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम की स्टूडेंट हूँ। और आज जैसे कि मुझे जिम्मेदारी दी गई है लाइव डेमोस्ट्रेशन की, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं लाइव डेमोस्ट्रेशन में हमारा जो आरसीएम का फेस वॉश आता है, मैं उसके बारे में छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये कैसे अच्छा है और कैसे अपने स्किन पे काम करता है। तो इसके लिए मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे तीन तरह के फेस वॉश रखे हैं। पहला है गार्नियर का, जो कि एक जानी मानी कंपनी है, लोग इसके नाम से फेस वॉश शैम्पू सब परचेज करते हैं। दूसरा है पतंजलि का, तीसरा है हमारा आरसीएम का नाइसा फेस वॉश, ये ट्री ट्री ऑयल का। अब साथियों मैं आपको बताना चाहती हूँ इन फेस वॉश से, फेस वॉश को यूज करने से हमें क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, किसमें केमिकल है और किसमें केमिकल नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तो डेमो के माध्यम से हम देखेंगे कि इनसे हमें कितना फायदा और कितना नुकसान मिलता है। तो देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा हूँ। अब हम तीनों गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में पानी डालेंगे। ये देखिए आपको दिखाई दिया होगा। अब मैं पहला जो कि जाना माना गार्नियर, दूसरा पतंजलि का सौंदर्य फेस वॉश, ये साथियों मैंने उतना ही क्वांटिटी में लिया जितना कि हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, तीसरा हमारा नाइसा का, अब देखिए हम इसको बराबर हम इसको जब तक मिलाएंगे ये बराबर पानी में भूल, क्योंकि जब तक भूलेगा नहीं जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी स्किन पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने ये तीनों तरह के फेस वॉश अलग अलग गिलासों में डाल दिए हैं और तीनों को बराबर बराबर हिलाया है। ये देखिए कहीं भी आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा जमा हुआ, पहले तो आपको यही देख के पता चल रहा होगा कि किसमें केमिकल है और किसमें नहीं, क्योंकि ये देखिए ये एकदम क्लीन है, इसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल का उपयोग नहीं किया गया है। इन दोनों में
पानी व्हाइट हो गया है, इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ केमिकल अवश्य है। अब देखते हैं कि इन केमिकल्स का हमारी स्किन पर क्या रिएक्शन होता है, और इसके लिए हम हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी एक ऐसा एंटीबायोटिक है, स्रोत है, जिस हल्दी के संपर्क में आने से कोई भी केमिकल अपना रंग, हल्दी अपना रंग बदल देती है। और साथ ही ये हमारी प्योर हल्दी आर्सेनिक की हल्दी है, तो इसको मैं तीनों गिलासों में बराबर बराबर मात्रा में आपके सामने डाल रहा हूँ। ये देखिए, अब हम तीनों को ये देखिए साथियों, इसका कलर चेंज हो गया, लेकिन इसका जो हल्दी का कलर है ओरिजिनल, वो ही कलर रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि जो हल्दी का कलर है, नेचुरल कलर है, वो ही इसका पानी का कलर है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। ये देखिए, ये एकदम लाइट पीला हो गया है। ये भी पीला हो गया, लेकिन इसका जो हल्दी का नेचुरल कलर है वो ही कलर रहा है, क्योंकि इसमें कोई तरह का केमिकल मिक्स नहीं है, और ये अपने फेस को फायदेमंद है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फेस पे कोई भी चीज अप्लाई करते हैं, तो उसका आपके बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, वो आपके सामने है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ साथियों। ये गार्नियर का है, 50 ग्राम का फेस वॉश है, इसके MRP 85 रुपीज है। ये पतंजलि का फेस वॉश है, इसकी ये 60 ग्राम का है, और इसकी MRP 60 रुपए है। और साथियों, ये हमारा नाइसा का ट्री ट्री ऑयल का फेस वॉश है, इसकी MRP ये भी 60 ml का है, और इसकी MRP 70 रुपीज है। तो देखिए साथियों, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो हमें इस पर डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट हमारी स्किन पर किस तरीके से काम करता है, और हमारी स्किन को सबसे बड़ी, जो कि हमारा फेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको हमें किस तरीके से साफ रखना चाहिए, और हमें उस पर कौन सा प्रोडक्ट और क्या अप्लाई करना चाहिए, ये हमें इसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम कितना और क्या अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए साथियों, ये बिल्कुल इसका हल्दी का कलर एकदम चेंज हो गया है, लेकिन इसमें जैसा ओरिजिनल हल्दी का कलर है वो कम हुई है। तो इस तरीके से हमारी स्किन पर कितना फायदा करता है, और हमें कई तरह की बीमारियों से, फेस संबंधी कील मुहासे और त्वचा संबंधी जितने भी फेस पे जितने बच्चों को इन्फेक्शन होते हैं और कील मुहासे होते हैं, उन सबसे सुरक्षा देता है। तो इस तरीके से हमें जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करें, उसके बारे में पहले पूरा नॉलेज लें, और उसको सोच समझकर और देख जानकर हमें अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। और ये फेस वॉश ऐसी चीज है साथियों की जो बच्चे से लेके बड़ा, लेडीज जेंट्स सभी यूज करते हैं, इसीलिए आज मैंने इसी प्रोडक्ट का डेमो किया, क्योंकि ये हर घर में और हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो हम उस जरूरत को सोच समझकर करें, और उससे हमारी स्किन संबंधी कई समस्याओं का जो उत्पन्न होती है वो ना हो, और हमें अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिले। हमारा जो नाइसा का फेस वॉश है, ये क्वालिटी में दम है, कीमत में कम है, और सबसे बेस्ट है, विदाउट केमिकल है। हम इसे अपने फेस पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ हम इसको लोगों को इसके बारे में डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से जानकारी भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपना फेस भी सुरक्षित रख सकते हैं, और अपने जेब में इनकम भी कर सकते हैं।
तो मैंने जो आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैंने अपना डेमोंस्ट्रेशन किया और मैं आगे की कार्यवाही के लिए कपिल जी सर को बुलाना चाहूंगी। ओवर टू कपिल जी सर।